केंद्र सरकार ने अचानक कृषि कानून वापस लेकर सबसे बड़ा झटका आंदोलनकारियों के नेता राकेश टिकैत को दिया। आंदोलन के नाम पर शुरू से ही सियासत कर रहे टिकैत को लगा कि मोदी सरकार उनको बुलाकर अवगत करेगी, उसके बाद कानून वापस लेगी और इससे उनका कद और बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिकैत की एक नहीं चली। पीएम मोदी सियासी दुनिया के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। गुजरात के सीएम रहे हों या अब देश के पीएम, उन्होंने कई बार अपने दाव से विरोधियों का खेल खत्म कर दिया है। पर इस बार टिकैत के अरमानों पर पानी फिरते हुए पीएम मोदी ने अचानक ही तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और टिकैत समेत आंदोलनकारियों को बैकफुट पर धकेल दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के इस चाल को न विपक्ष समझ पाया और न ही टिकैत समझ पाए। बीजेपी ने विपक्ष और टिकैत का सारा खेल खराब कर दिया, एक झटके में ही उनके चुनावी मुद्दे को खत्म कर दिया। अब टिकैत के पास बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ नहीं बचा है, लिहाजा टिकैत अब यू टर्न लेते हुए एमएसपी और किसानों की मौत का मुद्दा उठाकर आंदोलन को खींच रहे हैं। टिकैत का कहना है कि किसानों की डिमांड सिर्फ कृषि कानून नहीं बल्कि एमएसपी के साथ ही कई और मुद्दे थे। टिकैत कह रहे हैं कि 700 किसानों की मृत्यु भी एक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर 26 जनवरी से पहले तक मान जाएगी तो हम आंदोलन खत्म करके चले जाएंगे। वहीं यूपी चुनाव को लेकर टिकैत के मन में लड्डू फूट रहा है। टिकैत बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाकर विपक्ष का काम आसान करना चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बारे में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार काम कर रही है, उसे काम करने दीजिए। मतलब साफ है कि टिकैत आंदोलन को खींचना चाहते हैं और अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बारे में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। हालांकि इस बार टिकैत बुरी तरह फंस गए हैं। टिकैत पर आंदोलन खत्म करने का दबाव भी बढ़ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा है कि एमएसपी का कानून अगर आता है तो इससे नुकसान होगा। ऐसे में एक बार फिर आंदोलनकारी नेता और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। लेकिन इस बार टिकैत आंदोलन खत्म नहीं करेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि ये संदेश जाएगा कि सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए टिकैत विपक्ष के इशारों पर आंदोलन को खींच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।